हम मेरा सब्सक्राइबर का डिमांड पूरा करना होगा और आपको बोलना होगा कि आप किंगफिशर क्यों छोड़ें। हे गाइस, सभी गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग यहीं मैदान से स्टार्ट करें क्योंकि हम लोग पहला मैच है और अभी हम लोग तुरंत पहुंचे हैं, तो अभी टाइम है थोड़ा सा। तो चलिए आप लोग दिखाते हैं ग्राउंड। मैदान तो बहुत ही सुंदर है और यहाँ का टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा होता है, HLM ट्रॉफी, और ये चांडिल पे पड़ता है। तो चलिए आप लोग ग्राउंड दिखाते हैं। देख सकते हैं हम लोग नया जर्सी आ चुका है। सुशील, तेरा तो वैसी है, पीला जर्सी है। चलिए किट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। वैसे अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं सब रेडी हो चुका है और फर्स्ट मैच हम लोग का। आज तक जर्सी नहीं है। और आज इस मैच चले गए इसके लिए दोनों टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज इस पहला मैच आप लोग खेल रहे हैं। दो दिन का 6-7 दो दिन का सीजन मेरी फुटबॉल प्रतियोगिता है। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में हमारे सभी पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं। सभी पत्रकार बंधु को भी मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने आज सीजन 3 दादगिरी में जो मैच हो रहा है, इस मैच का आप सबों ने किस तरह लंबे समय तक जिए, उनका दीर्घायु का कामना करते हैं। जीत चुके हैं फर्स्ट राउंड, जो चिकंदा हमारा बहुत डेंजर गोल राजा सुशील और चेतन कुमार। तो चलिए गाइस चेंज करते हैं ड्रेस, उसके बाद मिलते हैं। खाना खा लेते पहले। झंडू यूट्यूबर गाइस, अभी थोड़ा खाना खा लेना अभी ठीक होगा क्योंकि उसके बाद 2-2 के बाद मैच हम लोग तुरंत होगा 8 टीम में, क्योंकि अभी डेंजर खेल रहा है, कौन जीते उसी साथ होगा मैच। लड़का लोग खाना खा रहा देख सकते हैं। चलिए गाइस सब थोड़ा सा के बाद मिलते हैं, खाना खाते हैं उसके बाद। क्या है बाबू छेरा, बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी नहीं, सब्जी क्या है? बांदा का हम नाश्ते खाओ। अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, अभी जाना है अभी हम लोग के लिए क्वार्टर फाइनल का मैच, और यहाँ पे सब रेडी हो रहा है। तो चलिए रेडी होते हैं, उसके बाद वार्म अप करते हैं, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को मैच का रिजल्ट क्या हो रहा है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पानी। और एक बार मैं आप लोगों को बता दूं भाई, ये एक एंड्रॉइड मोबाइल है, हमारे कमेंट्री बॉक्स में लाया गया है, रियलमी का मोबाइल है। माँ माटी से जुड़े हुए बात करते हैं, परिसर इनका कुछ अलग ही पहचान बना दिया। और मनोहर ने ये कमाल किया, सुशील और मनोहर की एक और अच्छी कॉम्बिनेशन, अच्छी तालमेल और खेल जैसे चल रहा है। इसी तरह मैदान के साथ साथ स्टेज में भी और इस टूर्नामेंट का अभी तक का सबसे ज्यादा गाइस, अभी हम लोग क्वार्टर फाइनल का मैच जीत चुके हैं 6-0 से, और अभी सही फाइनल खेलेंगे। और तुम शायद इस मैच में 4 गोल मारा, तो अपने बारे थोड़ा कुछ बताओ। हैट्रिक प्लस एक गोल प्लस और एक गोल मारा, 4 गोल टोटल, 6 में से 4 गोल तेरा ही है, तो इसके बारे कुछ बोलना चाहेगा? गलती से नहीं होता है भैया, ठीक है देखते हैं। अब हम लोग जाएंगे सेमीफाइनल मैच खेलने, और शायद रांगा स्पोर्टिंग या फिर
कोई है, दोनों मिक्स करके बनाया है टीम, तो अभी जाएंगे सेमीफाइनल खेलने और थोड़ी देर के बाद बताते हैं आप लोगों को रिजल्ट क्या हो रहा है, तो तब वीडियो हम बने रहें। और हम लोग लड़का लोग आधा क्विट कर रहा है, चलिए तो लेट पहुँच चुका है, क्विट करते हैं। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि अंतिम मुकाबला भी जो आप दिन भर आप लोगों को हमें सहयोग प्राप्त हुए, आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर से बार आए हमारे बीच, कल सुबह 8 बजे से लेकर संध्या 7 बजे तक आप सबों के बीच हम लोग बने रहेंगे। किंतु दादारा जी घर जबर मन एक मन नहीं आई अपना सबाई के किन मंच अपना देखते पाबी कणिका कर्मकर् संगे संगे कुंदन कर्मकार संगे फाइनली हम लोग आज का ग्रुप चैंपियन बन चुके हैं, मतलब फाइनल चढ़ चुके हैं HLM ट्रॉफी में। और देख सकते हैं हम लोग का लड़का लोग बहुत ही आज बहुत भयंकर मेहनत किया। बीबी कुमार बहुत सुंदर भाई, वाईफाई राजे दबैया बहुत एंग्री हो गए थे सुंदर। तो चलिए गाइस अभी हम लोग यहाँ से मैदान से निकलेंगे और फ्रेश होंगे। देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और यहाँ का बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा था ग्राउंड। तो चलिए मिलते हैं थोड़ा देर के बाद फ्रेश होके। चढ़ चुके हैं भैया किशनदा, तो आपको हम मेरा सब्सक्राइबर का डिमांड पूरा करना होगा और आपको बोलना होगा कि आप किंग फिशर क्यों छोड़ें। हाँ देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि किंग फिशर से पहले ये किशन दा था, जब टाटा मोटर्स में भी साइन नहीं किया था तब रिमिक्स से खेलता था, फिर वापस से एक साल किंग फिशर में खेला, उसके बाद फिर से रिमिक्स में आ गया, तो हम लोग टीम बहुत मजबूत हो गया पीछे लाइन डिफेंस लाइन। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे, वो जो मेरा सब्सक्राइबर से पूछ रहा है कि आप किंग फिशर क्यों छोड़ें बोलिए। और भैया खूब रेस्पॉन्स, हाँ बोलिए किशनदा। किंगफिशर भी अच्छा टीम है, हाँ जोर से थोड़ा। किंगफिशर भी अच्छा टीम है, उसमें अपना टीम में आए गए, अपना टीम था, एक साल के लिए किंगफिशर में चल गए थे। तो ऐसे कुछ देख सकते हैं किशनदा बोल दिए, ऐसे कमेंट कर रहा कि काहे छोड़ा है, पैसा नहीं दे रहा, इससे कोई बात नहीं है, ऐसे कोई रीजन नहीं है, मतलब किशनदा बोल रहे हैं पैसा उसका सब सही देता था किशनदा को, और एक साल खेले किंग फिशर में खेले, उसके बाद फिर से वापसी हो गए हम लोग टीम में। और चलिए आज हम लोग यहाँ फाइनलिस्ट टीम बने हैं, तो थोड़ा देर के बाद फ्रेश होते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से बात करते हैं। तो चलिए फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं गाइस। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं चांडिल से और अभी इधर में हम लोग रुकने बोला है, यहाँ पे हम लोग का डिनर होगा, उसके बाद हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। यहाँ साक्षी पहुँच चुके हैं अभी हम लोग बाइक से गए थे, कुछ लड़का लोग सोमो से गया है, तो हम लोग यहाँ पे अभी खाएंगे और यहाँ पे फिर सब अपने अपने घर, और फिर कल तो कहीं मैच नहीं है, कल वहीं फाइनल खेलने जाएंगे। तो देखते हैं आ रहा है कौन कौन यहाँ पे बाद। वैसे अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे अपना डिनर होगा और उसके बाद सब अपने अपने घर। तो यहाँ आ चुका है बिरयानी, कोलकाता न्यू बिरयानी। और चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। जो नए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।